ओके क्लास 10th, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन गाइस. सो टुडे वी हैव गोइंग टू डिस्कशन द चैप्टर नंबर 4, दैट इज अ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. इसका एक वीडियो आपका ऑलरेडी यूट्यूब पर चला गया है, आपके वेबसाइट में ऑलरेडी चला गया है और उसको आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा. उसके जो आगे का हिस्सा है उसको हम आज से शुरुआत करेंगे और उसके आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चैप्टर नंबर 4 पर इम्पोर्टेंस होते हैं प्री बोर्ड के बेसिस पर और एनुअल एग्जामिनेशन के बेसिस पर, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं करेंगे, दैट इज़ अ रिविजन टाइम. ओके सो विदाउट एनी वेट लेट्स लुक. ओके सो देखते हैं, यू कैन ऑब्जर्व दैट इज अवर चैनल PK25PNG एंड दैट इज अवर वेबसाइट. ओके लेट्स लुक विद द फंक्शनल ग्रुप. यहीं से हमें पढ़ना था बच्चों, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, किस तरीके से इसको पढ़ना है. ओके समझते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और किस तरीके से यह कार्बन कंपाउंड के साथ में मिलकर के कुछ नए तरीके के प्रोनाउंसिएशन क्रिएट करते हैं, कुछ नए तरीके के कंपाउंड बनाते हैं, उसी को अपन लोग देखेंगे. एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप. दैट मीन्स ऐसे एटम या उनके ग्रुप, एटम के ऐसे एटम या एटम के ग्रुप जो कि ये डिसाइड करते हैं कि जो कार्बन कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी. ओके तो ऐसे ही ग्रुपों को अपन लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. एटम और एटम के ग्रुप जो ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसे होगी, उसी को अपन लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. और इस फंक्शनल ग्रुप में अपन लोग बात करते हैं बच्चों हैलाइड की, मैं बताने वाला हूँ अभी क्या होते हैं ये हैलाइड, दूसरा एल्कोहल की, तीसरा एल्डिहाइड की, देन नेक्स्ट वन कार्बोक्सिलिक एसिड की, देन केटोन की. ओके तो ये चार पांच हैं यहाँ आपके फंक्शनल ग्रुप. ये और होते हैं लेकिन आपका क्लास छोटा है, आप 10th लेवल के हैं, इसी वजह से हमें यहाँ सीमित और लिमिटेशन में चीज़ों को रखनी है, समझनी है. देखते हैं, बात करते हैं हैलाइड की. सो हैलाइड इज नथिंग बट द ग्रुप नंबर 17 ऑफ द पेरियोडिक टेबल विच आर आल्सो नॉन एज एंड विच आर आल्सो कॉल्ड दैट इज अ हैलोजन ग्रुप, हैलोजनिक ग्रुप विच कंटेन द क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड टू अदर एलिमेंट. ओके सो क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो हैलाइड है, हैलाइड का मतलब होता है हेलो ग्रुप. हेलो ग्रुप इज नथिंग बट द ग्रुप नंबर 17 मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17 में जितने भी एलिमेंट आते हैं उसको हम हैलाइड्स बोलते हैं. उनके सारे एलिमेंटों को अपन लोग हैलाइड्स बोलते हैं, सारे एलिमेंटों को अपन लोग हैलोजन ग्रुप बोलते हैं. तो किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ में यह ग्रुप यदि जाकर के ऐड होते हैं तो अब ऐसे केसेस पर हम उनको हेलो हैलाइड भी बोलते हैं. देखिए हेलो एल्केन हैलाइड, दैट इज द हेलो ग्रुप, दैट इज द क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके फ्लोरीन एक्सेट्रा, नेम एंड विथ, नेम एंड विथ ए एन ई एग्जाम्पल. ओके तो जब कभी भी ये किसी कार्बन कंपाउंड के साथ में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन जुड़ते हैं तो जो नेमिंग है पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड का तो लास्ट में ए एन ई से एंड होता है. कैसे, देखिए दैट इज द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दैट इज द CH3Cl. ओके सो CH3 इज नथिंग बट द मैथिल. जब कभी भी किसी एक्चुअल कार्बन से एक नंबर हाइड्रोजन कम हो जाए, जैसे हम बात करें मेथेन की, मेथेन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, CH4. मेथेन का फार्मूला क्या होता है आपका, CH4, दैट इज अ मेथेन. बट एक हाइड्रोजन यहाँ से यदि रिमूव होता है तो यह अपने आप को मैथिल बना लेता है, दैट मीन्स CH3. उसी तरीके से आपका एथेन की बात करते हैं, एथेन का फार्मूला होता है C2H6, लेकिन यहाँ से यदि एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ बचेंगे कितने, C2H5, और C2H5 बचते हैं तो इस केसेस पर हम इसको एथिल से प्रोनाउंसिएशन करते हैं. ओके बात समझ में आई होगी, तो दैट इज अ मैथिल क्लोराइड. क्या है ये, मैथिल क्लोराइड. और इसको अपन लोग नॉर्मली लैंग्वेज पर और क्या बोल सकते हैं, मैथिल क्लोराइड में तो ऐसे बोल दिया, इसको क्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं अपन लोग. वाई यहाँ देखिए एज अ प्रोफिक्स यहाँ क्या लग रहा है, क्लोरो क्लोरो, वाई क्लोरो, दैट इज द दिस वन, क्लोरीन की वजह से इसका नाम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्लोरो और दैट इज अ मेथेन, दैट मीन्स क्लोरोमेथेन. दूसरा क्या है आपका, C2H5, दैट इज अ मेथिल, ओके मेथेन विच कंटेन टू द BR इज नथिंग बट द ब्रोमीन. तो ब्रोमीन के साथ में यदि ये कंटेंट रहता है तो फर्स्ट में हेलोज जो हैलाइड ग्रुप रहेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, दैट्स वाई दैट इज अ ब्रोमो और एथेन. ओके नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ, यदि ये CH3Cl ना रह करके आई रहता तो ऐसे केसेस पर हम इसको क्या बोलते, इसको बोलते आयोडोमेथेन. क्या बोलते बच्चों, आयोडोमेथेन. एक केस और हो सकता है आपका, दैट इज अ CH3 और F. F इज नथिंग बट द फ्लोरीन. सो व्हाट इज द नेम ऑफ इट,
क्या होना चाहिए था, व्हाट्स बी पॉसिबिलिटीज द नेम, दैट इज अ फ्लोरोमेथेन, ओके फ्लोरोमेथेन हो जाता नाम। आगे बढ़ते हैं, दैट इज अ हैलाइड ग्रुप, और आपको आपको इसमें इतना ही पढ़ना है हैलाइड ग्रुप के बारे में, ओके आगे बढ़ेंगे और आगे क्या दिया हुआ है देखते हैं, दैट इज द एल्कोहल, एल्कोहल ओके, एल्कोहल इज नथिंग बट द OH ग्रुप, ओके जब किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ में OH ग्रुप जाकर के ऐड हो जाता है तो ऐसे केसेस पर उन कार्बन कंपाउंड को हम एल्कोहलिक प्रोनाउंसिएशन के तौर पर याद रखते हैं, और जो कि एक जो एल्कोहल है वो एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप है, ओके कैसे देखिए, OH दैट इज द एल्कोहल इंडिकेटर, द नेम एंड विद द OL, किसी भी जो नेम है किसी भी कार्बन कंपाउंड का जो नाम है उसके लास्ट में अपन लोग OL लगा देते हैं, ऑल हो जाता है, ओके क्या लगाते हैं अपन लोग एंड में OL, क्यों कब लगाते हैं, जब एल्कोहल जैसे या OH जैसे यूनिट जो है किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ में जाकर के ऐड होते हैं उस केसेस पर, ओके एग्जाम्पल देखिए, That is a CH3OH, that is a methanol, और इसको एक दूसरा नाम ये भी हो सकता है methyl alcohol, ओके इसका सिंपल सा नाम क्या है आपका methanol, CH3 that's why meth, और OH की वजह से लास्ट में हमने क्या बोला है कि OL लगा देंगे, तो इसमें हम जो है OL लगा दिया, methane तो ये फर्स्ट वाला था, OL लगाने पर इसका नाम क्या हो गया methanol। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, that is a C2H5OH, तो लास्ट इसको क्या बोलते हैं कि अपन लोग एथ बोलते हैं और लास्ट में OH लगा हुआ है, that's why अपन लोग OL लगा लेंगे और इसका नाम हो जाएगा एथनॉल, ओके बात समझ में आई। बात करते हैं एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा CHO को ही अपन लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, दैट मींस जब कभी भी किसी कार्बन कंपाउंड के लास्ट में यदि CHO लगा हुआ है, इस CHO का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है बच्चों, इस CHO का स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरीके का होता है, दैट इज द कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड के साथ खाली, इधर कोई भी चीज आकर के ऐड हो सकती है, दैट इज की कार्बन कंपाउंड लाइक का, ओके तो इस तरीके के स्ट्रक्चर किसका ही है, एल्डिहाइड का है, और किसी भी कार्बन कंपाउंड की यदि हम नेमिंग करते हैं तो लास्ट में हमें OL ना लगा करके AL लगाना पड़ता है, तो AL किस चीज को बताता है कि यह फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड जैसे जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ में बना हुआ कार्बन कंपाउंड है, ये बताता है यदि हम किसी फंक्शनल ग्रुप वाले के कार्बन कंपाउंड का नेमिंग करते हैं जिसके लास्ट में AL लगा हो। एग्जांपल देखते हैं बच्चों, दैट इज अ HCHO, ओके तो HCHO ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, एक्चुअली मेथनॉल का HCOH नहीं होना चाहिए, ओके मेथनॉल का इस तरीके से केसेस नहीं होता, यदि मेथनॉल आपको लिखना हो, ओके मेथनॉल हाँ ठीक है मेथनॉल ही है बिल्कुल, मेथनॉल में क्या आता है आपका HCHO, यहाँ देखिए एथनॉल में क्या आ जाए आपका 1, 2, दैट इज यदि ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसको एथेनॉल बोलते हैं, ओके इसका थोड़ा सा इसके डायग्राम को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O, ओके तो ये एक तरीके का आपका बेस्ट स्ट्रक्चर होगा किसका, मेथनॉल का, मेथनॉल लास्ट में जो AL लगा हुआ है दैट इंडिकेट द एल्डिहाइड ग्रुप, ओके दूसरा हम बात करते हैं एथेनॉल की, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 देन कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड OH, ओके तो ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप लास्ट में किसी एथेनॉल के साथ में जुड़ा हुआ है इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एथेनॉल बोलते हैं, नॉट अ एथेनॉल, एथेनॉल और एथेनॉल दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, किसकी बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, सो कार्बोक्सिलिक एसिड इज नथिंग बट द COOH, ओके व्हाट आई एम से वंस अगेन COOH दैट इज अ दिस वन दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके तो जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, एक तो हो गया OH, ओके और एक OH एक और O चाहिए ना हमें, एक एक के साथ जुड़ा है इसके बाद डबल बॉन्ड O, ओके और इसके साथ में एक सिंगल बॉन्ड रहता है दैट इज द COOH, नाम के साथ में लास्ट में ओइक एसिड अपन लोग ऐड करते हैं, दैट मीन्स जब कभी भी किसी कार्बन कंपाउंड के लास्ट में यदि कार्बोक्सिलिक एसिड जाकर के ऐड होता है तो ऐसे केसेस पर हम जो कार्बन कंपाउंड है उसका नेम को चेंज कर देंगे और उसके नाम को चेंज करने के लास्ट में अपन लोग ओइक एसिड जोड़ देंगे। एग्जाम्पल पर देखते हैं बात समझ में आएगी, दैट इज द HCOOH, ओके दैट इज अ मेथनॉइक एसिड, क्या बोलते हैं इसको मेथनॉइक एसिड, इसको दूसरा किस तरीके से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो CH3, ओके CH3 एंड कार्बन
double bond oxygen, single bond OH. Okay, that is a methanoic acid. Okay. इसमें देखिए आप एथनोइक एसिड CH3COOH दैट इज़ अ एथनोइक एसिड. बात करते हैं बच्चों कीटोन की, तो कीटोन का भी एक बेस्ट फंक्शनल ग्रुप है और इसको हमें हमेशा दिमाग पे रखना बहुत अच्छी बात है और ये इम्पोर्टेंट है. ओके, इन द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ओके इम्पोर्टेंट है. कैसे कीटोन को अपन लोग लिखते हैं CO, दैट इज़ अ CO. स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहना चाहिए और इधर आर ग्रुप हो सकता है और साथ में इधर एच भी हो सकता है और नेम के एंड में अपन लोग ओ एन ई दैट मीन्स वन लगाते हैं. कैसे एग्जाम्पल देखेंगे CH3COCH3 दैट मीन्स यहाँ देखिए ये वाला कार्बन, इसका मतलब हो गया CH3 सिंगल कार्बन, ऊपर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और इसके बाद में CH3. और ऐसे केसेस पर इसका हम नाम क्या करेंगे बच्चों, प्रोपेन. कैसे 1 2 3 की वजह से, 3 कार्बन की वजह से